अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम अपने घर में कभी कोई नया डीटीएच का कनेक्शन लगवा लेते हैं, मान लीजिए डिश टीवी का, टाटा स्काई का, एयरटेल का, वीडियोकॉन का, रिलायंस का, सनडायरेक्ट का, इंडिपेंडेंट टीवी का, इनमें से किसी भी एक डीटीएच के कनेक्शन को हमने लगवा लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद देखा कि इसमें चैनल हमें अच्छे से देखने को नहीं मिल रहे हैं, कोई नया चैनल लॉन्च नहीं होता है, कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे वक्त में हमारे मन में केवल एक ही ख्याल आता है कि क्यों ना अपने डीटीएच के कनेक्शन को बदलवा लिया जाए, लेकिन यह भी हमारे लिए ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि हमें अगर नया कनेक्शन लेना है तो पूरी की पूरी रकम अदा करनी पड़ती है, पूरे के पूरे पैसे चुकाने पड़ते हैं, और हम उस कनेक्शन को जो हमने लगवाया हुआ है ना तो उसे वापस करवा सकते हैं और ना ही उसका हमें रिफंड मिलता है। तो ऐसे वक्त में जो कस्टमर है वो बीचों बीच फंस जाता है। तो इसीलिए अब ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा जी ने जो बयान जारी किया है उससे आपको फायदा ही फायदा मिलने वाला है। जी हाँ, पहले भी जो मामला था वो चर्चा में था कि डीटीएच पोर्टेबिलिटी जो है वो भारत में लॉन्च की जाएगी, जिसके जरिए कस्टमर आसानी से जिस प्रकार से मोबाइल का टेलीकॉम ऑपरेटर बदल लेता है उसी प्रकार से डीटीएच को भी बदल पाएगा। यानी मान लीजिए आपके घर में डिश टीवी का कनेक्शन लगा हुआ है और उसकी सर्विसेज का आनंद आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे वक्त में आपके मन में विचार आ रहे हैं कि क्यों ना टाटा स्काई के कनेक्शन को खरीद लिया जाए। लेकिन अभी आपको क्या होता है कि टाटा स्काई के कनेक्शन को खरीदने के लिए पूरे के पूरे पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि डिश टीवी के बॉक्स में टाटा स्काई के चैनल्स नहीं चलते हैं। तो इसी वजह से अब डीटीएच पोर्टेबिलिटी को भारत में लॉन्च किया जाने वाला है। जिस प्रकार से उन्होंने बयान में जारी किया है तो उसमें उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से हमने कस्टमर को उसके इच्छा अनुसार चैनल्स को चुनने की आजादी दी है सभी डीटीएच में, तो उसी प्रकार से सभी डीटीएच के ग्राहकों को यह भी आजादी दी जाएगी कि वह कौन सी सर्विस का आनंद लेना चाहता है। अगर आपने डिश टीवी का कनेक्शन लिया हुआ था और आपको उसकी सर्विस का आनंद नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उन्हें टाटा स्काई में, एयरटेल में, किसी अन्य डीटीएच में बदलवा लूं, तो वो आपको आसानी से मौका मिलेगा बदलवाने का। आपका सेट टॉप बॉक्स है, डिश एंटीना है, एलएनबी है, रिमोट है, सब वही काम करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा चार्ज होगा, कुछ अमाउंट होगी, इसको बाद में ही घोषित किया जाएगा, अभी कोई घोषित नहीं किया गया है, उसी को आपको चुकाना है और उसके बाद आपका आसानी से डीटीएच कनेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा और आपको उस सर्विस प्रोवाइडर के चैनल्स रिसीव होने लगेंगे। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके घर में एयरटेल की सिम है जो अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें सिग्नल जो है वो जियो के चाहिए क्योंकि जियो का डाटा जो है वो काफी सस्ता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, नई सिम लेने के बजाय अपनी पुरानी सिम को ही कन्वर्ट करवा लेते हैं, पोर्ट करवा लेते हैं और आसानी से दूसरे टावर हमें रिसीव हो जाते हैं। तो इसी तरह से डीटीएच का भी हमारे लिए सिस्टम आने वाला है। जैसे कि प्रकार से उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है तो उसमें उन्होंने बताया है कि अभी इसका हम प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दें। तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के अंत तक ऐसा सिस्टम हमारे लिए शुरू हो जाए कि हम आसानी से अपने डीटीएच को बदल पाएं। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि जो आपका डिश टीवी का बॉक्स या टाटा स्काई का बॉक्स या एयरटेल का बॉक्स घर में लगा हुआ है तो उसमें जो सिग्नल लॉक्ड का सिस्टम होता है ना वो बड़ी दिक्कत भरा है। यानी कि अगर टाटा स्काई का बॉक्स आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें केवल टाटा स्काई के ही सिग्नल्स रिसीव हो पाते हैं और केवल टाटा स्काई के चैनल्स आप देख पाएंगे, डिश टीवी के, एयरटेल के चैनल्स आप नहीं देख सकते, ना ही सिग्नल्स उसमें रिसीव हो सकते हैं। मान लीजिए अगर सिग्नल्स किसी तरह रिसीव हो भी गए तो चैनल्स तो डेफिनेटली आपको नहीं देखने को मिलने वाले। तो इसी वजह से ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो बनी हुई है कि आखिर ट्राई ऐसा क्या करने वाला है जिससे हमारे पुराने सेट टॉप बॉक्स ही अच्छे तरीके से काम करने लगे, या फिर हमें अपने सेट टॉप बॉक्स को बदलवाना होगा। तो ऐसे जो है विचार हमारे मन में जरूर आ रहे होंगे, इसके लिए हमें कुछ वक्त का इंतजार करना होगा कि ट्राई आखिर क्या करता है। जिस प्रकार से सभी डीटेल ऑपरेटर्स के लिए एक जैसे पैकेजेस को बना दिया है तो हो सकता है इस प्रकार से ट्राई जो है दबाव बनाए से भी डीटीएच ऑपरेटर्स पर कि आपको एक ही तरह के सेट टॉप बॉक्स को मैन्युफैक्चरिंग करना है जिसके जरिए कस्टमर अपनी इच्छा से कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के सिग्नल्स को रिसीव कर पाए। यानी कि जो कार्ड व्यूविंग होगा वो भी आपका वही चलेगा और आपका जो रिमोट है वो भी वही चलेगा, सेट टॉप बॉक्स भी वही चलेगा, बस जो डिश एंटीना है ना उसके अलाइनमेंट को बदला जाएगा, यानी टाटा स्काई के लिए टाटा स्काई की ओर कर दिया जाएगा, डिश टीवी के लिए डिश टीवी की ओर कर दिया जाएगा, बस। तो इस तरीके से हम डीटीएच पोर्टेबिलिटी का जो है आने वाले वक्त में इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बहुत ही फायदेमंद हमारा भारत में रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि 2019 के अंत तक इस सर्विस का शुरुआत जो है वो हो जाए और या फिर ज्यादा से ज्यादा नए साल यानी 2020 के शुरुआती समय में हो सकता है कि ये हमारे लिए ऑफिशियली लॉन्च हो जाए। दोस्तों, अभी की जानकारी कुछ इस प्रकार से थी। यदि हमें और भी कोई जानकारी आती है या आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। बाकी आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो और लाइक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक हमारे मौजूद रहते हैं। नमस्कार।